हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सौरभ राय और आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग। आज की तारीख है 29 जून। जून का महीना भी खत्म होने वाला है। आज सैटरडे का टाइम है, वक्त हो रहा है 11:05। हम लोग का प्लान है जाने का एक बर्थडे पार्टी। हम लोग के जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, बाहरी फैमिली, उनकी जो बेटी है टारा, उसका बर्थडे है और वहाँ पे हम लोग जाएंगे, मस्ती करेंगे। व्हाट आर यू गाइस अप टू? वी आर ऑलरेडी फिनिश्ड ड्रेसिंग अप। एंड व्हाट इज शी अप टू? हगिंग हर। Oh, okay. You as well? Huggy. दोनों बदमाशों को हम लोग छोड़ देते हैं बैकयार्ड में, ताकि थोड़ी मस्ती करेंगे और हम लोग अंदर तैयार व्यार हो सके। बाहर घास है, वहां पे थोड़ा खेलेंगे। सैश, नो मेकिंग मैस, ओके? ऑलराइट, गो, जाओ, एंजॉय। तो तैयार हो गए। आज रात में है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप फाइनल्स, तो वो देखा जाएगा। यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टाइम के 10:30 बजे मैच चालू होता है, तो थोड़ा लेट है। होपफुली मैच इंटरेस्टिंग होगा और मेरे ख्याल से 3:30 बजे सुबह खत्म होने वाला है। कल छुट्टी है तो उसका पूरा फायदा उठा जाएगा। तो मेरा तो इंटेंशन है अभी तक देखने का, एज लॉन्ग एज वन सैटरडे मैच ना हो जाए। है तो हम लोग वापस घर में आ गए। तो आप लोग लगाओ क्या हो गया, आधे घंटे हम लोग ट्रेवल कर चुके हैं, तो यहाँ पे गिफ्ट भूल गए थे, तो 10-12 मिनट बाकी था वहाँ पे पहुंचने का। तो फिर वहां से वापस आए, अभी गिफ्ट लेंगे, अभी वापस ट्रेवल करेंगे, तो एक्स्ट्रा 40 मिनट्स ट्रेवल। ऑलराइट, लेट्स गो। भाई बहन तो आ गए हम लोग कैरेनिया शॉपिंग सेंटर। यहाँ पे सायश और यहाँ पे पार्क्ड है ई, जस्ट फॉर नॉलेज। और सायश को लेके मैं जाऊंगा, सायश का विल गो टू दी अदर थिंग। और ये लोग थोड़ा बहुत अपना शॉपिंग करके मारने और थोड़ा गिफ्ट लेके आने वाले हैं। और सेकंड फ्लोर पे जाना है हम लोग को, साइड फ्लोर टू कौन द सेकंड फ्लोर, ओके। फिर ये साइंस लगे रहते हैं लाल, अगर कुछ ग्रीन है तो इसका मतलब वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है। तो आज ये काम कर रहा था, तो हम लोग ने यही इस्तेमाल करके आ गया। काफ़ी भरी हुई है पार्किंग, नॉट मच पार्किंग रिमेनिंग अवेलेबल। आई मीन तो यहाँ पे जगह ढूंढना ही एक चैलेंज हो गया है। अभी लेवल 2 इन्फॉर्मेशन डेस्क से देखा, देखते हैं होपफुली टाइम पे पहुँच जाएँ। ये रश बकवास सकती है मुझे। एनीवे मेरे ख्याल से तो थोड़ा लेट हो जाएगा, बट एनी ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। और अब अभी तो थोड़ा पोपट बन गए हैं यहाँ पे, दूसरी जगह पे हम लोग को पार्क करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग वहाँ जा सकते हैं। यहाँ से पार्किंग जहाँ पे हम लोग ने पार्किंग वहाँ से एक्सेसिबल ही नहीं है, तो हम लोग को गाड़ी वापस निकालना है और वापस देखना है जहाँ से हम लोग ले सकते जा सकते हैं। फिर सब ग्रीन 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 लिखा हुआ है, बट कहीं पे इलेक्ट्रिक गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ इस शॉपिंग सेंटर में है डेडिकेटेड जगह जहाँ पे कर सकते हैं चार्ज लाइक ईवीज। एनीवे यहाँ से गाड़ी निकालनी है, दूसरी जगह जाना है। हम लोग यहाँ पे पोपट बन गए, डायरेक्टली डेस्टिनेशन का एड्रेस जाना चाहिए था, नॉट शॉपिंग सेंटर। कोई नहीं, ऑलरेडी 40 मिनट डिले हो गए, तो थोड़ा आधे घंटे और हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो 30 मिनट्स एंड स्टिल काउंटिंग, मगजमारी के बाद हम लोग बाहर आके अभी वापस अंदर जा रहे हैं दूसरे साइड शॉपिंग सेंटर में। ये पहली बार नहीं कि यहाँ पे जगह ढूंढने के लिए प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है और जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन है वो थोड़ी अच्छी नहीं है। तो एनीवे होपफुली मिल जाए। अटेम्प्ट नंबर 2 यहाँ पे घुस रहे हैं हम लोग शॉपिंग सेंटर में, यहाँ पे मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज वापस घर में जाओ। यहाँ पे जापानी वेंडिंग मशीन लगी हुई है और साथ में BWS फूड बॉक्स, यहाँ पे एक और फूड कोर्ट है। इट फाइनली सक्सेस, पृथ्वी आ गई हम लोग को पिकअप करने और अभी जब हम लोग जा रहे हैं खेलने। अरे भैया तो आरसी ब्रदर यहाँ पे हम लोग पहले भी आए हुए हैं, तो अगर इसका एड्रेस डालते तो सही पार्किंग सेंटर पे जाते, बट यहाँ पे एनीवे थोड़ा एक्स्ट्रा मगजमारी के बाद अब आ ही गए हैं, दैट्स गुड। मैं इसको सोनी से दूर रख रहा हूँ ताकि ये ठीक रहे, और जाते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या करना है बच्चों को और हम लोग को क्या क्या करना है। यहाँ पे गाड़ी में बैठ के टाइम पास कर रही है, अभी सोने वाली सो जाना चाहिए थोड़ी देर में खाना वाना खाने के बाद, है ना। ये आ गई यहाँ पे शनाया चला रही है और ये आ गई अपनी ड्रिंक। तो यहाँ पे बड़े लोग के लिए यहाँ पे लोग ने बार बार बनाया हुआ है, यहाँ पे बाहर है बैठने का एरिया, यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन, और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं खाना पीने के साथ, और ये लोग अभी यहाँ पे अपना ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहे हैं। हम लोग अपने रूम में यहाँ पे खाना रखा हुआ है, खाएंगे। व्हाट हैपेंड, फ्राइज खा रही है।
मेरा अभी हो गया खत्म, यहाँ पे अभी जाने का प्लान है बाहर, डन फॉर द डे। तो ये है बाहर का एरिया, यहाँ पे गन और ये सारे गेम्स और सब कुछ है। मैंने पहले यहाँ पे आया हूँ तो वीडियो डाला था, तो मैं वापस पूरा कैप्चर नहीं करूँगा, बट गुड बच्चों के लिए। इन लुक एट मी नाउ। देखो भाई लोग, यहाँ पे गोल्फ के साथ ये कैरियर के सूडे और ये भी कुछ और भी है यहाँ पे, और काफ़ी सारी ट्रॉफीज रखी हैं यहाँ पे, मालूम नहीं क्या क्या जीता है इन लोग ने। अभी शनाया है मेरे साथ तो मैं ज़्यादा दिखूँगा नहीं, और बाप रे वापस रोना चालू। ये मस्त है, इसके साथ बाजू में ये हॉइट्स, तो अगर बच्चे अंदर खेल रहे हैं और बच्चों को बड़ों को आके मूवी देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। फूड जोन, पॉपकॉर्न सब कुछ है, यहीं से अपने टिकट निकालो। तो फुली ऑटोमेटेड वाला हॉइट्स है, आगे से टिकट है, यहाँ पे आइसक्रीम डिस्पेंसर, आगे चिप्स विप्स खाने पीने के, यहाँ पे आइसक्रीम पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक, मस्त है यार सब खुद से। यहाँ पे ये वाले टेक अवे बॉटल, चॉकलेट्स, फ्रोजन पेप्सीज, और ये है आगे का टिकट का। और हाँ, ये मिनियन वाली मूवी तो हम लोगों ने देखी थी पिछले हफ्ते, अभी यहाँ से टिकट निकालो। चलो अगर बच्चे नहीं होते तो देखा जाता। देखो भाई साहब, कल की लगी हुई है मूवी, देखा जा सकता था। भाई मैंने तो आ गए बाहर, पूरा थक गए आज ये सब कर करके। बाहर मौसम तो बहुत ही बकवास हुआ हुआ है, होपफुली आज बारबाडोस का मौसम ऐसा नहीं होगा और बारिश ना हो आज रात में। साहिश, इज इट गोना रेन टुनाइट? गुड, साहिश की तरफ से तो हाँ मिल गई। देखो भाई साहब, यहाँ पे पर्थ में इतनी भीड़ तो नॉर्मली नहीं दिखती है, बट आज है। हम लोग जा रहे हैं अभी पार्क में, अभी वापस घर जाने का प्लान नहीं है। और ये मैंने पिछली बार भी जब यहाँ पे आया था तो दिखाया था, ये सब टाको पाको योची सबकी दुकानें हैं यहाँ पे, क्वाइट गुड। ये है यहाँ का पार्क, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं सब, शना यहाँ पे टाइम पास कर रही है। ये रास्ते अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है अंदर, और ये रही शनाया कहीं पे, ये यहाँ पे साइज कर रहा है मस्ती अपने फाउंटेन के साथ। मैं तो बाहर सर शनाया के साथ थोड़ा वॉकिंग करने आए हैं, अभी अभी 3-4 साल और हैं जब पार्क में बच्चों को छोड़ दो, अपना खेल रहे हैं और अपना खुद टाइम पास कर सकते हैं। अभी शनाया के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, बेसिकली पार्क में आओ तो 24/7 उसको पकड़ के रखो। तो हाँ, अभी थोड़ी देर में जाएंगे घर, घर में जाके करेंगे रिलैक्स, है ना शनाया? बिलीव वन आइसक्रीम से हम लोग पार होते हुए फाउंटेन को गुड बाय करते हुए अभी जा रहे हैं वापस घर। बीच में थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हुए जाएंगे, तो अभी मैं व्लॉग बंद नहीं करूँगा क्योंकि जस्ट इन केस कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाए। यहाँ पे लोग कर रहे हैं रिलैक्स, रिलैक्स क्या क्या मतलब होता है हम लोग भूल चुके हैं, बच्चे हैं। तो आ गए हम लोग कोलस में, यहाँ पे क्या दिखाना कुछ अगर स्पेशल होगा तो, बट हाँ वही धनिया मिर्च दूध पनीर लेने। पहले तो मेरी सवारी बोल रहा हूँ, मेरी गाड़ी चेंज हो गई है क्योंकि शनाया का दूध पीने का वक्त हो गया है, और कल मैं आया था काफ़ी सारा सैलेड का चीज़ें लेके गया था अपने लोकल कोल्स से, तो और तो कुछ लेना नहीं। और हम लोग ने ये लिया था, मतलब हम लोग बोले तो मैंने डेनिश फेटा, काफ़ी मस्त हुआ सैलेड में डाल के खाने के लिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सब भी है गोट चीज़ बेसिकली, हलूमी ये भी अच्छा होता है, इसको अगर ग्रिल करके खाओ तो बहुत मस्त होता है वेजिटेरियंस के लिए। आज भाई साहब के लिए यहाँ पे लिया जा रहा है प्रॉन्स, और यहाँ पे ये भी मिलता है फ्री मेटल का ऑक्टोपस क्रैब मसल्स, फ्रेश भी मिलता है, फ्रेश ज़्यादा अच्छा होगा, बट हाँ ऑब्वियसली फ्रिज वाले बीफ सैलमन एंड पासा एंड सब कुछ। और हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं भगवान जाने, बस थोड़ा बहुत शॉपिंग करने आए हैं, बैकून तो लेना नहीं होता है हम लोग को। ये क्या है, सलामी, ये सभी नहीं, चीज़, ये देखो इतना सारी वैरायटी चीज़, भदेरी मोज़रेला, ये इंडिया में हम लोग खाते थे चीज़ में डाल के, अरे चीज़ पिज़्ज़ा में डाल के खाते थे, चीज़ में डाल के चीज़ नहीं खाते थे, बट यू गेट व्हाट आई मीन। और इतना ही कम नहीं था, यहाँ पे और भी है ब्री, मैं फिर से नहीं पूरे बोलने वाला हूँ क्योंकि मैंने पहले भी ये सब कैप्चर किया, बट बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मिलती हैं। तो अगर आप लोग कोई चीज़ लवर्स हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आएगा मज़ा, विंटेज चेडर, उसमें भी अलग अलग फ्लेवर,
क्रीमी ब्लू, ब्लू चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है जिसको अच्छा लगता है, स्मूथ ब्लू। मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, आई डोंट माइंड फेटा। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में नया आ रहा है तो तीन मिलते हैं ये वाले मील्स $10 के, $9.90। तो इसमें बटर चिकन, स्टार्टर चिकन तो मुझे ऐसे ही मालूम नहीं, बट बटर चिकन मैंने सुना है कि बहुत अच्छा होता है, और चिकन कार्बोनारा पेस्टो पास्ता एंड फेटा। तो हम लोग ने ले लिया ट्राई मारने के लिए, बट मैंने सुना है इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं बटर चिकन स्पेशली। कि हम लोग एशियन शॉप में आए हुए हैं, यहाँ पे केल, सिल्वर बीट, स्पिनच सब कुछ मिल रहा है, अच्छा अच्छा दिखने वाला। देखो भाई सब परफेक्ट साइज के गाजर, सबके सब एक ही साइज के, ये रेट। और छीलने वाली पीस यहाँ पे तो हम लोग ने कमी देखी है, कितने की है $9 भैया। ऐसे सस्ती तो फ्रोजन चिली भी मिलती है, ये कोई क्यों ले। और भिंडी ओकरा क्या बोलते हैं, करेला, करेला ही, हाँ यस, बीटरूट। तब तो खाने पीने का प्लान हम लोगों ने कर दिया है कैंसिल, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है, देख सकता है यहाँ से कि नहीं, कि भाड़ में जाए खाना पीना। अभी जाते हैं कहीं, हाँ अच्छा, अभी जाते हैं वापस। और भाई बहनों तो सैटरडे का आउटिंग हो गया ख़त्म, अभी आ गए घर में, अभी थोड़ा और कुछ थोड़ा बहुत काम है तो वो किया जाएगा बाद में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, कुछ वैसे पसंद आने लग तो था नहीं तो कोई नहीं, वो लगा तो थी अगले वीडियो में, बाय।